आज के वीडियो में हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे 13 के बॉडी टाइप्स के साथ। हमने इसमें से 5 मेजर जो कैटेगरीज हैं उनको इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में आपके साथ डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, मेक श्योर आप जाके एक बार जरूर देखें, बिकॉज ये वीडियो तभी सेंस बनाएगी अगर आपने उसको देखा है। अदरवाइज अगर आप स्किप करना चाहते हैं स्टेप को कि एक साथ 13 मुझे यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। सो फर्स्ट आप इसके पहले पार्ट को देखें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिएगा। ऑल्सो ये जरूरी नहीं है कि आपको अपना एग्जैक्ट बॉडी टाइप यहाँ पे मिल जाएगा। द गोल हेयर इज कि आपको क्लोजेस्ट ढूंढना है कि आपका बॉडी टाइप या आपका जो फेस फीचर्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, यू नो बोन स्ट्रक्चर यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बॉडी फ्लैश बताएंगे आपको कि किस तरीके का होता है, ये सब जो चीजें हैं ये नियरेस्ट किस कैटेगरी के आ रहे हैं। अगर एग्जैक्टली मैच होता है दैट्स रियली गुड, अदरवाइज आप नियरेस्ट वाला भी ढूंढ सकते हैं, वो भी इक्वली काम करेगा आपको एग्जैक्ट आउटफिट्स अपने लिए सिलेक्ट करने के लिए, अपना बॉडी टाइप जानने के लिए कि किप के अकॉर्डिंग आपका बॉडी टाइप कौन सा है। ऑल्सो आपको ये भी लग सकता है कि आप एक पर्टिकुलर एज में एक स्पेसिफिक बॉडी टाइप के थे और अब आफ्टर एजिंग आप दूसरे बॉडी टाइप में आ रहे हैं। इट्स परफेक्टली नॉर्मल बिकॉज ये एक थ्योरी है, ऐसे नहीं है कि ये एक यू नो टोटली इंटायरली बिल्कुल सही चीज है। दुनिया में सिर्फ 13 टाइप ही होते हैं जो इसमें सब बता दिए गए हैं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपको ये टेस्ट को परफॉर्म कैसे करना है, आप अपनी एक पिक्चर ले सकते हैं इन सम टाइट फिटेड क्लोथ्स, मिनिमल क्लोथ्स आपको पहनने हैं सो दैट आपको अपनी बॉडी की शेप और यू नो उसके शोल्डर्स पता चल रहे हैं, वेस्ट लाइन अपनी समझ में आ रही है, हिप लाइन, थाई फ्लैश सब आपको क्लियरली उस पिक्चर में दिखना चाहिए। लूज क्लोथ्स बिल्कुल मत पहनिएगा, आप फिटेड ट्यूब टॉप या शॉर्ट्स के साथ आप ये पिक्चर ले सकते हैं। ऑल्सो ये पिक्चर लेते वक्त मेक श्योर आपका जो कैमरा है उसका जो प्लेसमेंट है वो आपके चेस्ट के पास हो, क्योंकि अगर आप ऊपर से लेते हैं और नीचे फ्लोर पे रख के क्लिक करेंगे तो आपका डायमेंशन चेंज हो जाता है। सो हमें एज इट इज आपके डायमेंशन को कैप्चर करना है, सो मेक श्योर आपके कैमरा का प्लेसमेंट सही हो, अदरवाइज आप किसी और को कह सकते हैं कि वो आपकी पिक्चर क्लिक करें। सो जो 5 मेजर बॉडी टाइप्स हैं वो ड्रामेटिक, क्लासिक, नेचुरल, गेमीन एंड रोमांटिक, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी बताया है और इस वीडियो में भी हम आपको सिंप्लीफाइड तरीके से इनको एक्सप्लेन कर देंगे। इन 5ों की फर्दर सब कैटेगरीज बनती हैं जो कि टोटल 13 बॉडी टाइप्स बनाते हैं। अब जो ड्रामेटिक है वो एक्सट्रीम यांग है, एक्सट्रीम मैस्कुलिन है, जो रोमांटिक है वो एक्सट्रीम फेमिनिन है। सो इन दोनों की जो सब कैटेगरीज है वो सिर्फ एक एक सब कैटेगरी आगे आती है, इनकी 2 सब कैटेगरीज नहीं बनती। बाकी के जो 3 टाइप्स है उनमें से हर एक टाइप में से 2 सब कैटेगरीज आपकी निकलती है। एक सब कैटेगरी थोड़ी यिन की तरफ इंक्लाइंड होती है, एक सब कैटेगरी थोड़ी यांग की तरफ इंक्लाइंड होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर गैमीन है तो गैमीन में अगर थोड़ा सा यांग फीचर ज्यादा होगा तो एक पर्टिकुलर टाइप का गैमीन बनेगा, और अगर उसमें थोड़ा सा यिन फैक्टर ज्यादा होगा तो वो दूसरा उसका सब टाइप बन जाता है। सो अब हम आपको डिस्क्रिप्शन देनी शुरू करेंगे। ऑल्सो मेक श्योर सो दैट आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव ये ना हो जाए, आप दूसरों के बॉडी टाइप्स पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए, ये मत देखिए कि मुझे इसके बारे में भी पता हो, इस बॉडी टाइप के बारे में भी पता हो, इतना ज्यादा मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ खुद पे फोकस करना है आपको यहाँ पे। सो लेट्स स्टार्ट विद इट एंड याद रखिएगा आपको नियरेस्ट ढूंढना है। सो ऐसा नहीं है कि आप बाय द एंड ऑफ इट फील करें कि आप यहाँ पे है ही नहीं, आप किसी से रिलेट नहीं कर पा रहे हो, जरूरी नहीं है 100% आपकी हर चीज मिले। सबसे पहले ड्रामेटिक, ड्रामेटिक में ऑल यंग फीचर्स होते हैं, मैस्कुलिन फीचर्स होते हैं, टॉल लंबे स्लीक और नैरो शोल्डर्स होते हैं आपका, आपका जो बॉडी टाइप है लंबी बॉडी होती है, स्लीक बॉडी होती है और आपके शोल्डर्स जो है वो नैरो होते हैं। फेशियल फीचर्स आपका नाक लंबा होता है, आईज जो है वो नैरो होती है, उसकी जो प्लेसमेंट होती है दोनों आईज के बीच का जो डिस्टेंस होता है कम होता है और आपके चीक बोन्स हाई होते हैं। नेक्स्ट है सॉफ्ट ड्रामेटिक, इसमें आपकी हाइट मीडियम से टॉल तक कुछ भी हो सकती है, आपके फेशियल बोन्स फेस के जो बोन्स है वो शार्प होते हैं और आपका जो चीक है उसपे सॉफ्ट राउंड फ्लैश होता है, प्लम्पीनेस दिखती है आपको चीक्स पे, आपके बस्ट हिप और अपर आर्म्स फ्लैशी होते हैं, सॉफ्ट वोलप्टुअस बॉडी होती है आपकी, लेकिन आपका जो बोन स्ट्रक्चर है वो शार्प रहता है। अगर आप वेट पुट ऑन करते हैं तो आपके फेस पे वेट आता है, बस्ट, वेस्ट, अपर आर्म्स, थाइज और हिप्स पे सब जगह आप वेट पुट ऑन करते हैं। नेक्स्ट है नेचुरल, सॉफ्ट यंग कैटेगरी में आता है नेचुरल, आपकी पूरी बॉडी में वाइड लाइंस देखने को मिलेंगी। अगर आप लाइंस ड्रॉ करें या एक कंप्लीट बॉडी को देखें तो उसमें विड्थ ज्यादा होती है, आपके शोल्डर्स जो है वो ब्रॉड होते हैं, आपका जॉ जो है वो भी ब्रॉड होगा, वाइड होगा, आपके फेशियल बोन्स आप इजीली लोकेट कर सकते हैं, वेल स्ट्रक्चर्ड फेशियल बोन्स आपको यहाँ पे मिलेगी, आपकी जो वेस्ट है उसमें भी विड्थ रहती है, पतली स्लीक वेस्ट आपकी नहीं होती।
नेक्स्ट है सॉफ्ट नेचुरल। आपकी हाइट मीडियम से शॉर्ट हाइट हो सकती है, आपके शोल्डर्स ब्रॉड होते हैं और आपकी वेस्ट लाइन जो है वो स्ट्रेट होती है, उसमें बिल्कुल कर्व नहीं होगी या बहुत स्लाइट कर्व होगी। आपका बॉडी फ्लैश काफी प्लम्पियर होता है, आप पतले हो सकते हैं बट स्टिल प्लम्प बॉडी फ्लैश होगा आपका। आपके फेशियल फीचर्स काफी सॉफ्ट होते हैं, आपका जो नोज है वो छोटा नोज होगा लेकिन वाइड होगा और ब्लंट होगा, शार्प नोज नहीं होगा। आपके बाल फाइन हेयर होते हैं। नेक्स्ट है फ्लैम्बॉयंट नेचुरल। आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो लंबा होगा और वाइड होगा, आपकी आर्म्स और लेग्स लंबी होंगी, आपके जो लिप्स हैं वो थिन और स्ट्रेट होते हैं, आपकी आर्म्स और जो लेग्स हैं वो कुछ मैस्कुलिन स्ट्रक्चर आपको उससे देखने को मिलेगा, आपको उसमें फेमिनिन डेलिकेसी नहीं दिखती। आपके बस्ट और हिप्स जो हैं वो थोड़े स्ट्रेट होते हैं और फ्लैटर होते हैं, उनमें ज्यादा फ्लैश नहीं होता। नेक्स्ट है क्लासिक। आपकी बॉडी में हर चीज बहुत ही सिमेट्रिकल होती है और इवनली स्पेस्ड होती है, आपके आईज के बीच का डिस्टेंस, आपका नोज, हर चीज आपको बहुत ही प्रोपोर्शनेट और सिमेट्री में दिखता है। आपका जो फेस का लुक है काफी चिजल्ड होता है, चिजल्ड मतलब उसमें बिल्कुल प्लम्पीनेस नहीं होती, शार्प फेस लुक आपको देखने को मिलेगा और आपका जो बोन स्ट्रक्चर है वो भी स्लाइटली शार्प होता है। अगर हम इंडियन सेलिब्रिटीज को देखें तो इस तरीके का क्लासिक लुक बहुत कम सेलिब्रिटीज हैं जिनका है, एंड वी मैनेज टू फाइंड आउट दीज टू सेलिब्रिटीज जो इस कैटेगरी के नियर आते हैं। नेक्स्ट है सॉफ्ट क्लासिक। बॉडी फ्लैश काफी सॉफ्ट और प्लम्पी होता है, मीडियम हाइट होगी, फेशियल फीचर्स काफी सॉफ्ट होते हैं, लश्यस लिप्स होते हैं, टेपर शोल्डर्स होते हैं, यानी कि ऐसे शोल्डर्स जो एंड तक आते आते थोड़े पतले या नैरो हो जाते हैं। नेक्स्ट है ड्रामेटिक क्लासिक। स्ट्रेट बॉडी, मस्कुलर बॉडी होगी, मॉडरेट हाइट, फेशियल फीचर्स काफी शार्प होंगे, बस्ट वेस्ट और हिप लाइन एक स्ट्रेट लाइन में फॉल करते हैं, उसमें कर्व्स नहीं होंगी। नेक्स्ट है गैमीन। गैमीन पेटीट यिन की कैटेगरी में आता है, इसके बारे में हमने फर्स्ट पार्ट में भी बात की है। आप बहुत यंग दिखते हो, अपनी एज आपकी ज्यादा हो सकती है लेकिन आपकी जो अपियरेंस है काफी यंग होती है, आपकी बॉडी पेटीट बॉडी होती है, आपकी आईज बिग हो सकती है, पॉइंटेड चिन और स्मॉल फेस। नेक्स्ट है सॉफ्ट गैमीन। शॉर्ट हाइट होगी, शॉर्ट आर्म्स एंड लेग्स होंगी, फ्लैशी फेस आर्म्स एंड लेग्स, आपके आर्म्स लेग्स और फेस काफी प्लम्प होते हैं, फ्लैशी होते हैं, आपके फेस के जो फीचर्स हैं छोटे होंगे, डेलिकेट होंगे। नेक्स्ट है फ्लैम्बॉयंट गैमीन। आपकी हाइट 5.6 फीट या उससे कम होगी, आपकी बॉडी स्लाइटली ब्रॉड होती है, वेस्ट स्ट्रेट होगी आपकी, फेस वाइड है, नोज वाइड है, बड़ी आंखें और फुलर लिप्स। नेक्स्ट है रोमांटिक। आपकी हाइट शॉर्ट हाइट होगी, राउंड शेप होगी आपके पूरे फेस के फीचर्स की, सॉफ्ट एजेस होंगे, प्लम्पी फ्लैश आपका ऑल ओवर द बॉडी होगा और डेलिकेट बोन स्ट्रक्चर होगा। नेक्स्ट है थिएट्रिकल रोमांटिक। आपके फेशियल बोन्स काफी छोटे होते हैं, डेलिकेट होते हैं, स्लाइटली शार्प होते हैं, आपका नोज भी शार्प होता है, आपके फेस की अपेयरेंस काफी सॉफ्ट और लश अपेयरेंस होती है, आंखें बड़ी ल्यूमिनस आईज होंगी, लश्यस लिप्स एंड सॉफ्ट चीक्स, बोन स्ट्रक्चर आपका बहुत डेलिकेट और छोटा होता है। सो ये थे टोटल 13 बॉडी टाइप्स। आई होप आपको यूजफुल लगे होंगे। अगर आप बाकी किप टेस्ट्स देखेंगे इंडिया में, आई डोंट थिंक सो ज्यादातर लोगों ने इसके बारे में बात की है, यूजुअली फॉरेन के सेलिब्रिटीज को मेंशन किया जाता है इसमें, इसलिए इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अस कि हम एक इंडियन सेलिब्रिटी को हर कैटेगरी में फिट करते। बट अगर आप बहुत अलग अलग लोगों की राय देखेंगे, कुछ लोग फेशियल फीचर्स पे ज्यादा जोर देते हैं, उसके अकॉर्डिंग बॉडी टाइप्स में सेग्रीगेट करते हैं, कुछ बोन स्ट्रक्चर से बात करते हैं, कुछ सिर्फ बॉडी फ्लैश को यू नो ध्यान में रखते हैं, यूजुअली बोन स्ट्रक्चर और फेशियल फीचर्स पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। लेकिन हमने कोशिश की है कि हम तीनों कैटेगरीज के मेन पॉइंट्स को निकाल के आपके लिए एक बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन बनाएं इस टेस्ट की, सो दैट सबको समझ में आ सके। इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत हमें नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट हेयर टू फिट आर सेल्स इन टू अ कैटेगरी कि मैं इसी में ही आऊं। देर आर मेजर चांसेस कि आप इन 13 कैटेगरी से बहुत अलग भी हो सकते हैं, दैट्स ऑल्सो टोटली फाइन, बिकॉज ऑब्वियसली इन सच अ बिग वर्ल्ड वी डोंट थिंक कि सिर्फ 13 कैटेगरीज में सबको फिट किया जा सकता है, बट स्टिल अगर आप इसमें से अपना बॉडी टाइप ढूंढ सके, दैट्स अमेजिंग। एंड ऑल्सो अगर आप चाहते हैं कि हम इनके अकॉर्डिंग ड्रेसिंग स्टाइल्स आपको बताएं, देन प्लीज कॉमेंट बिलो, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। आई होप यू लाइक टूडेज वीडियो। इफ दिस वॉज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू, प्लीज मेक श्योर आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी और वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।